आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं MRFA के बारे में। दोस्तों, MRFA जिसकी शुरुआत सही मायने में देखा जाए तो वर्ष 2013 से ही हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि वर्ष 2013 वाला जो डील था उसको स्क्रैप किया गया और उसके बाद वर्ष 2019 में एक नई RFI इशू करी जाती है। और उसमें यह दावा किया जाता था कि 114 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है ये खरीदे जाएंगे, लेकिन उसी समय जनरल विपिन रावत सर, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने एक नई तरकीब का सुझाव दिया था। उनको पहले से पता था कि इतनी बड़ी डील भारत के लिए अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जनरल विपिन रावत सर ने कुछ अलग यहाँ पर तरीके बताए थे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्हें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि MRFA एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको अभी हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना भारतीय वायुसेना की जो फ्यूचर स्ट्रेंथ है ये प्रभावित हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं, मुख्यतः कि MRFA हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जनरल विपिन रावत सर का इसको लेकर के क्या कहना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। MRFA के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 114 की संख्या में जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है वो खरीदने हैं। हालांकि ये जो प्रोक्योरमेंट होगा ये कोई सस्ता प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, इसमें तकरीबन $20 बिलियन की जो राशि है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा खर्च की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि MRFA प्रोग्राम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है और क्यों अभी तक 2019 से लेकर के आज तक MRFA पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अब इसमें ये चर्चा का विषय तो है और इसमें चर्चाएं काफी ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो मुख्य कारण माना जा रहा है वो ये है कि अभी तक भारतीय वायुसेना किसी भी एयरक्राफ्ट को चिन्हित नहीं कर पाई है जो कि उसके द्वारा खरीदे जाएं। लगातार जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस है और भी अलग अलग जो एस्पेक्ट है उनको वैल्यूएट किया जा रहा है और उसके आधार पे ही भारतीय वायुसेना सेलेक्ट करेगी। हालांकि रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो एयर स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी की जा चुकी है और इस समय भारतीय वायुसेना भारत के रक्षा मंत्रालय के पास पहुंची है, जहां पर MRFA प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की डिमांड की जा रही है। और जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यहां पर प्रदान की जाएगी तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अब इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। भारतीय वायुसेना ने MRC-1 से सबक लेते हुए कंफर्म कर दिया है कि वो एयरक्राफ्ट जो टेक्निकल इवेल्युएशन से गुजर चुके हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। सिर्फ नए एयरक्राफ्ट जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है या वो एयरक्राफ्ट जो अपग्रेड से गुजरे हैं, मॉडिफिकेशन से गुजरे हैं, उन्हें ही टेक्निकल इवेल्युएशन से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका बढ़िया बेनिफिट ये होगा कि जो टाइम एक लेने वाला प्रोसेस था वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये निर्णय कब तक लिया जाएगा इसके बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिल जाती है कोई भी इस पर शब्दों में ये नहीं कह सकता कि डील कब तक साइन करी जाएगी। हालांकि अगर हम जनरल विपिन रावत सर की बात करें तो उन्होंने MRFA प्रोग्राम के लिए एक काफी बढ़िया ऑप्शन दिया था भारतीय वायुसेना के समक्ष। उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि इकट्ठा बड़ी संख्या में प्रोक्योरमेंट करने से अच्छा है भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से इस प्रोग्राम में आगे बढ़े। जनरल विपिन रावत सर का कहना था कि भारतीय वायुसेना इकट्ठा 100 से ज्यादा जो राफेल एयरक्राफ्ट है इनको खरीदने की जगह जो एक फेज्ड मैनर में परचेज है वो करेगी तो बर्डन भी नहीं आएगा और भारतीय वायुसेना की जो जरूरतें हैं ये भी पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा पहले ही भारतीय वायुसेना के पास राफेल की 2 स्क्वाड्रन ऑर्डर करी गई हैं और धीरे धीरे करके ये संख्या जो है वो 90 तक पहुंच जाती है तो भारतीय वायुसेना के लिए काफी राहत की बात होगी। यानी उन्होंने एडिशनल राफेल की जो परचेज है उसको वहां पर समर्थन दिया था। और शायद आज यहाँ पर एनालिस्ट ये मानते हैं कि जनरल विपिन रावत सर का जो कथन था या उनकी जो ये अल्टरनेट अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के लिए हितकर साबित हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस होता वो जल्दी होता। क्योंकि जब भारत ने 36 राफेल फाइटर का ऑर्डर किया था उस समय डसॉल्ट एविएशन के पास कोई भी इतना मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं था कि भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में उन्हें टाइम लगता। लेकिन आज के अगर हम सिनेरियो की बात करें तो आज डसॉल्ट एविएशन की जो ऑर्डर बुक है वो 200 को पार कर चुकी है राफेल के केस में। और ऐसे में अब अगर भारत कोई प्रोक्योरमेंट करने भी जाता है तो भारत को एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं जनरल विपिन रावत सर के इस अल्टरनेट अप्रोच से बहुत ज्यादा सहमत थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना उस समय ये चाहती थी कि राफेल का जो प्रोक्योरमेंट हो वो एक बड़े पैमाने पे हो और उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो देखने को मिले, वो मेड इन इंडिया होने चाहिए। और इसी के लिए कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना 114 राफेल एयरक्राफ्ट के खरीद को लेकर के वहाँ पर काफी ज्यादा आश्वस्त थी।
अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती थी। पहला तो सिर्फ पर्सेज हो सकता था जहाँ पर राफेल जेट तकरीबन 60 की संख्या में खरीदे जाते और कुछ एयरक्राफ्ट वहां पर फ्लाईबैक कंडीशन में भारत को मिलते और कुछ भारत में असेंबल किए जाते। लेकिन फ्रांस की आपको शर्त याद होगी, फ्रांस ने उस समय स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि अगर 80 से कम संख्या हुई तो उन्हें राफेल की असेंबली भारत में करने के लिए सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यह था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज, जैसे कि हमने 36 राफेल के एयरक्राफ्ट की डील में करी थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज में 90 से ज्यादा राफेल खरीदे जाने का प्लान था जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत को दिए जाते। इसके लिए डसॉल्ट एविएशन भारत में फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करती और यहाँ पर उनका निर्माण करती। लेकिन अभी तक इस पे कोई बड़ा निर्णय सामने नहीं आया है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी MRFA प्रोग्राम जो है वो अधर में लटका है। हालांकि इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि MRFA प्रोग्राम पे अब भारत सरकार काफी ज्यादा गंभीर है और जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये इस समय अंडर कंसिडरेशन है और हो सकता है कि आने वाले वर्ष की शुरुआत में MRFA पर कोई बड़ा निर्णय लेती भारतीय वायुसेना दिखाई पड़े, क्योंकि हम सब तेजस मार्क 2 के भरोसे बैठे थे। हम लोग इस उम्मीद में चल रहे थे कि एडिशनल तेजस मार्क 1A के ऑर्डर के बाद हमें 2024 के अंत तक ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि तेजस मार्क 2 की जो उड़ान है वो होने के लिए तैयार है, और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 2028 तक तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का रवैया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है, अब यहाँ पे पूरा दोष हम HAL को भी नहीं दे सकते क्योंकि उनको फंड ही नहीं मिले, और दूसरी बात अमेरिका ने फिर से अपना वही दोहरा चरित्र दिखाया है जो कि जिसके वो हमेशा प्रसिद्ध था, वो था इंजन टेक्नोलॉजी में देरी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत को, भारत के इस प्रोग्राम को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि भारत ने एक गलती तो ऑलरेडी कर दी कि भारत बहुत ज्यादा आश्रित हो गया था अमेरिका के ऊपर, और ये जो ओवर डिपेंडेंसी थी कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि भारत को अब यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे भारत भी क्या करे, क्योंकि भारत के पास कोई बड़ा ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अल्टरनेटिव ज्यादा है नहीं। अब दो ही ऑप्शन है, या तो भारत अमेरिकी इंजन की तरफ जाता, या फिर फ्रांस या रोल्स रॉयस की तरफ जाता, या फिर रशियन इंजन की तरफ जाता। अब रशियन इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ज्यादा पुरानी है, वो एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, और अगर भारत रशियन इंजन को कंसीडर करता हमें तेजस के एयर फ्रेम में कुछ परिवर्तन भी करने पड़ते। वही बात अगर हम फ्रांस की करें या रोल्स रॉयस की करें तो अगर यहाँ पे बातचीत शुरू भी कर दी जाती है तब भी उसे उतना ही टाइम लगेगा जितना यहाँ पर डिले की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पर भारत को ना चाहते हुए अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कावेरी इंजन जो प्रोग्राम 2013-14 में जिसके फंड्स को रोकने की शुरुआत हुई थी, अगर वो फंड्स लगातार मिलते रहते और जो हमने आज भरोसा दिखाया है ट्राई कावेरी के ऊपर, अगर उस समय हम ये भरोसा दिखाते तो शायद आज हमारे पास एक उन्नत इंजन यहाँ पर उपलब्ध होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब ये भारतीय वायुसेना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडिशनल राफेल की तरफ जाते हैं या फिर MRFA का जो सर्कस है यह भी हमें 2025 तक देखने को मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।